بسم الله الرحمن الرحيم قاعده نمبر 17 सुना देंगे इसमें अगले हरूफ होते हैं यानी ये कायदा नंबर 17 जो है जोड़ का तरीका आप सुना रहे हैं जोड़ का तरीका क्या है किसी हर्फ पर जोड़ करेंगे क्या करेंगे अवल मादे फिर अवल क्या पढ़ेंगे अवल हरूफ हरूफ पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे फिर मात पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे फिर अरकात पढ़ेंगे अब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल दें जी जा की जोड़ करें इसका जी मलिक मत जबर ज ये मत कौन सी है मुत्तसिल है मुनफसिल है मुत्तसिल है मुत्तसिल है मुत्तसिल बड़ी मद होती है छोटी मद होती है बड़ी मद या दरमियानी होती है बड़ी होती है ना और इसको कितनी अलिफ की मकदार तक खींच सकते हैं तीन अलिफ अच्छा मुत्तसिल इसकी तारीफ आती है ना जो कल पड़ी थी मुत्तसिल जी ठीक है जी कायदा नंबर 18 सुनाएं नून साकन तनवीन नून साकन नून तनवीन के वक्त के नून साकन नून तनवीन का जो गुना होता है उसकी आवाज में और जो नून मुशद्दद वाला गुना होता है उसकी आवाज में क्या फर्क होता है नून साकन तनवीन के गुने में नाक आवाज में घूमती है अच्छा और नून मुशद्दद में नाक आवाज में नहीं घूमती नहीं घूमती है अच्छा नून साकन तनवीन का गुना उसमें आवाज नाक में घूमती है जरा बुलंद आवाज से उसकी मिसाल दें मीम नून जबर मा अगर न घूमे गलत तरीका क्या होगा पढ़ने का मीम नून जबर मन ये गलत है ना मा मा अच्छा नून तनवीन की मिसाल दें मीम दो जबर मीम दो जबर मान इसको अगर कोई पढ़ेगा मीम दो जबर मान गलत होगा ना ठीक हो गया नून मुशद्दद के गुन्ने में आवाज नहीं घूमती उसके बिल्कुल मुखालिफ है मुतजाद है अपोजिट है इसके वो क्या है इन अच्छा इसको अगर कोई घुमा के पढ़े आवाज को नाक में तो कैसे पढ़ेगा ये गलत हो जाएगा कि नहीं होगा गलत होगा कायदा नंबर 19 सुनाए जी अरबी में कोई हर्फ मजहूल नहीं है बल्कि मारूफ है कोई हरकत या कोई हर्फ मजहूल नहीं होता बल्कि सारे के सारे क्या होते हैं मारूफ होते हैं कोई हर्फ मजहूल नहीं होता बाकी जुबानों में होते हैं मसलन उर्दू में लफ्ज मजहूल मसलन मैंने क्या मिसाल दी थी तू और तो की जी तू और तो की तो तू में वाउ मारूम है कि मजहूल है तू में तू में तू वाउ मालूम है मजहूल है मारूफ है क्या है मारूफ है जरा बुलंद आवाज से मारूफ है जी। और तो ये वाउ को क्या है मजहूल है तो ये बाकी जुबानों में तो होता है मजहूल लेकिन अरबी जुबान में कोई मजहूल होता नहीं है और ये बहुत ज्यादा एहतियात करनी क्योंकि अक्सर गलतियां मजहूल की सूरत में होती हैं पढ़ने वाला अक्सर गलतियां किसमें करता है मजहूल में तो ये कितने कायदे हो गए आपके 19 कायदे हो गए हैं ठीक है और कल आपका चूंकि इतवार है तो कल इंशाल्लाह ये 19 के 19 कायदे आपने क्या करने हैं याद करने हैं ठीक है याद तो है आपको लेकिन इसको जरा और पुख्ता करना है ताकि फौरन जो कायदा में जिसकी तरफ इशारा दूं आपको फौरन उस कायदे का पता होना चाहिए ठीक है और जो हरूफ तहज्जी मैंने आपको सुनाया पढ़ाए थे उनको उनकी अदायगी का जो तरीका मैंने आपको बताया था कि तो हरूफ तहज्जी अदायगी में सेट हों और चंद जरूरी कायदे पढ़ने में फिट हों तो कायदे भी फिट होने चाहिए और हरूफ तहज्जी जो 29 हैं वो पढ़ने में अदायगी में क्या होने चाहिए बिल्कुल सेट होने चाहिए कायदे सारे फिट होने चाहिए तो 19 कायदे हो गए बाकी इंशाल्लाह 20वां कायदा में आपको और 21वां कायदा इंशाल्लाह बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ अब उससे पहले आपने जो 10 सूरतें पढ़ी थी उन 10 सूरतों को जरा कवायद की रूह से आप मुझे सुनाएं जी चले जी सूरत अन्नास से शुरू करें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بالكل معروف بالكل معروف اور ذرا معروف کرے اس کو بسم الله الرحمن الرحيم اور صحیح کرنا ٹھیک ہے چلیں جی قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس میاں نہیں مجهول ہے میاں اور ذرا معروف کریں میاں نہیں نہیں اله الناس اله ہن ہا کدھر سے نکلتی ہے
हाँ सर, सीने में सेंटर। हाँ हिन्नस आगे मिया, म्यो मिया, फिर मजूरों की आवाज लगी म्यो मिया, और म्यो जोर लगा के मिया, म्यो जितना जोर हो सकता है उसको साफ करना है। मिया म्यो हाँ, शरीन शरील शरील वसवासिल खन्नास आगे। अल्लज़ी युवसविसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति नून वन्नास। मुशद्दद वाला जो कायदा है, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में गुना होता है, इसमें नून मुशद्दद के कायदा कितनी जगह पर लगा है? इसमें हाँ, इस सूरत में सात जगह, सात जगहों पर फिट हुआ है। ठीक है जी, चलें जी, गुना किया आपने वहां पर। चले अगली सूरत को शुरू करें। सूरतुल फलक मक्कीयह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊजु बिरब्बिल फलक फिर मैं और मिन जोर और साफ मिया, शाबाश। मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वक़ब, वक़ब वासिकिन में गुना नहीं किया आपने, गुना नहीं होता ना। जी क्यों नहीं होता? इसलिए आगे रुफी हल्की में से हरफी हल्की हमजा आया हुआ है। ठीक है जी, चलें जी। कलकले कौन से चल रहे हैं, नरम है या सख्त है? अभी नरम नरम कलकले चल रहे हैं। ठीक है चलें जी। कौफ सही मोटा करें, उकाद और मोटा करें, उकाद उकोद उकाद उकोद उकाद, शाबाश। वमिन शर हासिदिन इदा, हाँ यारी मदा है, हासिदिन इदा दिन, फिर आपने दिन आपने मजहूल पढ़ा है, दिन 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 हासिदिन हासिदिन इदा हसद। सूरतु इखलास मक्कीयह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद, फिर मजूल पढ़ा, लम यलिद शाबाश, वलम यूलद, जो में आपने वाव मदा सही नहीं पढ़ा, यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल लहबी मक्कीयह, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सूरतुल लहबी मक्कीयह, सूरतुल लहबी मक्कीयह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम निर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन वतब। ये कौन सा कलकला हुआ है? ये सख्त कलकला, सख्त क्योंकि शाद आई है ना जी। चले मा अग्ना, कोई मोटी करनी है कि नहीं करनी? मोटी करनी, तरह मोटा करके बताएं। अग्ना 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 ना, नून खड़ा जबर है ना जी। कितना खींचा आपने? एक अलिफ की मिकदार, मद्दे मद्दे असली, मद्दे असली असली, शाबाश। मा अग्ना, हाँ कोई मोटी नहीं किया आपने। عنه ماله مامي आपने लम फिर उसको अलीफ मदा नहीं पढ़ा। ماله हम हाफ साफ करें। ماله وما كسب, سيصلى साफ मोटा करें, سيصلى سيصلى نارا, नामे आपने फिर अलीफ मदा नहीं किया। نارا ذات لهب, لهب लहब लहब, वम्रअतुहु मोटी करें, वम्रअतुहु हमसा बिल्कुल साफ पढ़ना है, वम्रआ नहीं पढ़ना, वम्रआ वम्रअ वम्रअतुहु वम्रअ वम्रअ वम्रअतुहु हम्मालतल हत्वब, फी जीदिहा हब्लुम मिम मसद, मीम मसद, मीम मसद, मीम मसद में कौन सा कायदा लगा है पता है? वरना तो आपने किया ठीक किया, इस दूसरा कायदा, इसमें कौन सा है? नून साकिन के बाद मीम आ गई है, कौन सा कायदा लगेगा? पहला कायदा, नहीं नहीं नहीं, नून साकिन के बाद मीम आ जाए तो मीम, नून साकिन और तनवीन के बाद क्या होता है?
नून साकिन नून तनवीन के बाद मीम आ जाए तो यरमलून में से होता है ना जी। हाँ तो इदगाम माल गुना, इदगाम माल गुना गुना। अच्छा वमरातुहु ये हो गया ठीक है जी। अच्छा चलें आगे सूरतुन नस्र, तो ये नो यार मलून वाला कायदा लगा है हबलोम में, हबलोम में ठीक है आगे सूरतुन नस्र मदनिया, सूरतुन नस्र, सूरतुन नस्र मदनिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, फतह हाँ इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, वल फतह वल फतह वल फतह वल फतह, बस फतह पढ़ के आखिर में इतना पता चला कि हा आखिरी है इसमें, क्योंकि ये भी एक कायदा है कि जिस हर्फ पर आप वक्फ कर रहे हैं तो वक्फ में पता चलना चाहिए कि आखिरी हर्फ कौन सा आया हुआ है। वल फतह वल फतह आगे वरुअइतन्ना सयदखुलून फी दीनी اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ طَغْوِنْ تَغْفِرْ فِرْ فِرْ مجهول نہیں فِرْ فِرْ ہاں إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تَوَّابًا تَوَّابًا